आपने 30 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट किए, बट अभी भी आप 30 साल के ही लगते हो। गिल्टी एज चार्ज्ड। 30 साल की थोड़ा ज्यादा हो गया ये। मन में लड्डू फूटा है। जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड आउटसाइड ही द सेकंड वुमन हु परफॉर्मड ऑन स्टैंड सेंस वाज माइंड ब्लोइंग। मुझसे बोल रही एक्टिंग देखी क्या मैंने, मतलब ये तरह से देखो या कंटेंट इज मच फार सुपीरियर देन हिंदी और मेनी अदर लैंग्वेजेस। इट्स जस्ट दैट मार्केट उतना बड़ा नहीं है जिसके वजह से जो राइटर्स है या जो एक्टर्स है उनकी उस लेवल पर रीच नहीं हो पाती। मैं सुनाने वाला हूँ कॉमेडी सर को और वो सर प्रोड्यूस करेंगे मुझे पता है। ओके चलो डन। मैम को, शरद सर को, वैदेही मैम को अभी रिसेंटली ही इंडियन पुलिस फोर्स में देखा अमेज़न प्राइम पे। ओके, और हम लोग एक हफ्ते से उनको देख ही रहे। सर आप कहीं और पे थे, मतलब थोड़ा यू वर इन अयोध्या। आई वाज इन अयोध्या। हां यस। ओके, आई रियली वांटेड टू नो द एक्सपीरियंस। हाउ वाज इट? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। हिस्टोरिक था। मैजिकल। यस इंडीड। एंड हाउ वाज द सराउंडिंग? हाउ वाज एवरीथिंग? आई रियली वांट टू नो। वो एक मतलब जो वहाँ थे लोग उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं ऐसे शब्दों में नहीं बयान कर सकता, बट वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इट वाज हिस्टोरिक एंड एट द सेम टाइम इट वाज समथिंग व्हिच आई हैड नॉट एक्सपीरियंस एवर इन माय लाइफ। जितने भी वहाँ थे सबका वही कहना था बाय इवनिंग। सर और एक बात पूछनी है आपसे, आप करना क्या चाहते हो? आई मीन मैम थोड़ा ना। हाँ सर, आप करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो सर? मूवीज बनाई 100 करोड़, 200 करोड़, अभी OTT पे इतना बड़ा धमाका। आई मीन दैट्स सो अमेजिंग। व्हाट्स योर प्लान लाइक OTT पे? आप खुद को ऐसे मतलब अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कहाँ जाऊँ। टीवी हो गया, OTT हो गया, अब यूट्यूब बचा है। हमें यूट्यूब के लिए कुछ और बनाऊंगा। सीरियसली सर, इट इज वेरी अमेजिंग। ऑन अ सीरियस नोट, वी आर थैंकफुल टू द व्यूअर्स, टू आवर ऑडियंस, दैट बिकॉज इट्स जो OTT पे एक रेगुलर सीरीज आती है ये वैसे नहीं है। अमेजोन का एक टारगेट था कि दे वांटेड टू टच द मास बेस, मास ऑडियंस, एंड ऑब्वियसली जब हमने सीरीज बनाई और जब रिलीज भी होने वाली थी तो एक ये था कि OTT के ऑडियंस एक डिफरेंट ऑडियंस है। हमारी जो एक फिल्म की जैसे सिम्बा या सूर्यवंशी की एक मास ऑडियंस होती वो नहीं है। सो वेदर विल बी एबल टू टैप देम और नॉट, क्या वो ऑडियंस आएगी या नहीं आएगी, एंड आई थिंक वी ऑल आर लकी ना कि वो ऑडियंस आई और इतना प्यार मिला और एक जो अमेज़न का टारगेट था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। यस इंडीड। एंड लेट मी टेल यू ऑल कि इंडियन पुलिस फोर्स ने ऑलमोस्ट 7 मिलियन व्यूज ऑलरेडी गार्नर कर दिए हैं। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट गाइस। इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। सो रिलीज होके कितने दिन हुए? आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ डेज। यस, कपल ऑफ डेज, ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 7 मिलियन व्यूज इज मैसिव, नो डाउट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विद यू। ओके, आपके 30 साल के करियर में हमने देखा कि आपने बहुत सारे रोमांटिक मूवीज किए हैं एंड यू नो यू ऑलवेज बीन शरद शौक के 30 साल का करियर है। शरद को अभी रियलाइज हुआ। सो वी हैव ऑलवेज सीन यू लाइक दैट, और अभी 30 साल के करियर के बाद सडनली एक्शन सीरीज, ये करने का क्यों डिसाइड किया? मैंने नहीं डिसाइड किया, आई जस्ट गो विद द फ्लो यार। मैं उस मोमेंट में जीती हूँ। मैंने कभी अपने करियर को कंट्राइव किया नहीं है। जो काम आया मेरे पास उसमें से मैंने चूज़ किया और अपना काम किया। और मुझे बहुत खुशी है कि रोहित सर ने मुझे कास्ट किया तारा शेट्टी के किरदार में, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये किरदार। सो आई रियली फील वेरी हम्बल्ड एंड हैप्पी कि 30 साल के बाद भी मैं लोगों को सरप्राइज कर पा रही हूँ। इंडीड। एंड फॉर यू, हाउ डिफिकल्ट इट वाज कि आपने इतने सारे स्टंट्स किए उसमें? सो वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट इजी? कि आपको डर लगा था कभी करते वक्त? आई रियली वांट टू नो। डर के आगे जीत है, यू नो। रोहित शेट्टी सर, आई थिंक सो, इन्होंने अपना पैर भी फ्रैक्चर किया एक्शन में। ओह, 3 महीने शी वाज ऑन मतलब बेड रेस्ट। Yeah. So, yeah, but it's all, it was all worth it. I just feel के आप जो भी करो ज़िंदगी में उसको you have to give it your 100%. So if I'm in it, I'm in it to win it, or I won't do it. So that's always been my mantra and my philosophy. Absolutely. So yeah, it's like a do or die thing for me, and I'm passionate about what I do in my life.
तो जब उन्होंने इतना पैसा खर्चा करके स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को नीचे लेके आए थाईलैंड से एंड ही पुट दैट फेथ इन मी, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी यू नो आई ऑल्सो पुट इन दैट एफर्ट. एंड आई थिंक हम सब की मेहनत रंग लाई है. आज हम बैठ के बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि वी गॉट 7 मिलियन व्यूज़ इन 7 डेज. इट डजंट कम विद आवर एफर्ट एंड एफर्ट. 17. हाँ, हाउ मेनी? 17 कितना? 7 मिलियन. 7 मिलियन कंप्लीट व्यूज़. सो आई जस्ट थिंक दैट इट्स बिकॉज यू नो देर इज समवन अप देयर हु इज वॉचिंग एंड देर से भले ही लेकिन वो देते जरूर है. एग्जैक्टली. सो सर, गोवा पुलिस हो गया, मुंबई पुलिस हो गया, अब दिल्ली पुलिस, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? शरद नो, उसमें जैसे मेरा सरनेम डिसाइड हो रहा है. गुजरात भी हो गया इसमें. हाँ, गुजरात भी हो गया. इन अ वे गुजरात भी हो गया. इन अ वे गुजरात हो गया. गोवा जा रहे हैं. मेरा सरनेम डिसाइड होगा जगताप का, तो पता चल जाएगा. बट टेल मी, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? अभी प्लान करेंगे. अभी रिलीज हुई है. अभी इट्स जस्ट बीन अ वीक नाउ. या, और देखते हैं कितना आगे जाती है एंड देन वी विल प्लान. वक्त लगेगा. सो शिल्पा मैम एंड रोहित सर, आप दोनों ही इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हो. ओके, सो शेटी डुओ को एक साथ काम करने में इतना वक्त क्यों लगा? कुंडली मैच नहीं हो रही थी हम लोग. ये अलग नजरिया है. लेकिन देखो, हम लोग आए तो क्या धमाका कर धमाके के साथ आए हम. नो डाउट, बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है OTT पे ऑब्वियसली. सो शरद सर, ओके, मी महाराष्ट्रन आहे आणि मला महाराष्ट्रन म्हणून खूप अभिमान वाटतो, गर्व वाटतो. नो डाउट, तुम्हाला जे वाटलं गेट पण नाही बरं वाटतो, करेक्ट वाटायला पाहिजे. आम्ही जेव्हा ऍक्च्युली तुम्हाला ऑन स्क्रीन ही जी एंट्री आम्ही बघितली, इतकी छान एंट्री होती, आम्हाला बघून खूप छान वाटलं, खूप बरं वाटलं. तुम्ही CID मध्ये एक पोलीस ऑफिसरचा रोल केलेला, तो खूप छोटूसा होता. आणि आता तुम्ही रोहित शेट्टी यांच्या मूवीमध्ये एका रॉ एजंटची भूमिका साकारताय तुम्ही. सो जेव्हा तुम्ही पाठी वळता, तेव्हा तो प्रवास कसा होता? प्रवास खूप छान होता. आणि एक मी नेहमी म्हणतो की मला शिकायचं आहे आयुष्यात. ती कोणची गोष्ट असो, कोणचंही सब्जेक्ट असो किंवा फील्ड असो, आणि तेच करत आलो आजपर्यंत मी. तर मला नेहमी असं वाटतं की अजून काहीतरी आहे शिकण्यासाठी, तर तेच करतो मी आजपर्यंत. आणि जेव्हा चांगले डायरेक्टर्स भेटतात किंवा चांगले रायटर्स भेटतात, तेव्हा अनेक शिकायला मिळतं. आणि अपॉर्च्युनिटीज स्टॅच्यूड आय वॉज आय एम लकी की मला भेटत गेल्या इतक्या वर्षांपासून. म्हणून थोडंफार असं वाटतं आहे की जर्नी चांगलीच होती आतापर्यंतची. सो वैदेही, वी मेट बिफोर, ओके, अँड शी इज अ स्वीट हार्ट, नो डाऊट. सो आय रिअली वॉन्टेड टू आस्क यू, रोहित सरांबरोबर काम करण्याचा तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता? कारण का तू आधी सुद्धा एकदा काम केलं होतंस त्यांच्याबरोबर, सो ती जर्नी कशी होती? काय ह्याच्यासाठी शब्द खरंच अपुरे पडतील मला, कारण सिम्बामध्ये पहिल्यांदा संधी रोहित सरांनी दिली. आणि मला आठवतंय पहिला दिवस जेव्हा मी रोहित सरांना भेटली त्यांच्या ऑफिसमध्ये, आणि त्यांनी मला पाहिल्यावरती फक्त एवढंच म्हटलं, हीच आकृती आहे. आणि मला असं वाटलं की तो मोमेंट माझ्यासाठी खूप स्पेशल होता. आणि त्यानंतर खरं सांगू तर मी खूप आतुरतेने वाट पाहत होते की रोहित सर, आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की त्यांना एखादा ऍक्टर, एखादा कलाकार आवडला तर अर्थातच त्यांच्या पुढच्या प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांना ते घेतात. तर मी सिनेमानंतर खरं तर खूप काय वाट पाहत होते की माझ्यासाठी काही येणार आहे का, हा काही इंटरेस्ट आहे का, असं मी एक ट्रॅक ठेवायचं की ओ अच्छा आता हे प्रोजेक्ट सुरू आहे का त्यांच्या. तर मला जेव्हा ह्या शोसाठी फोन आला तेव्हा मी काहीही न विचार करता, मला फक्त विधीचा, त्यांच्या एका असिस्टंटचा फोन आला, ती मला म्हणाली की असं असं आहे आणि आपण असं असं करतोय. तर मी एका क्षणाचा विचार न करता मी म्हटलं हो, कारण या माणसावर इतका विश्वास आहे की त्यांनी माझ्यासाठी जर काहीतरी विचार केला असेल तर तो 100% चांगलाच केला असेल. आणि नंतर मग ह्या प्रवासात, हा प्रवास सुरू झाल्यानंतर जेव्हा कळलं की हे पात्र आहे आणि हे इतकं महत्त्वाचं पात्र आहे या शोमध्ये, तर तेव्हा तर अर्थातच प्रचंड एक्साइटमेंट होती. फक्त यावेळेस आम्हाला फार एकत्र वेळ नाही मिळाला, कारण रोहित सरांबरोबर दुसरे दिग्दर्शक आहेत सुशांत प्रकाश, त्यांच्याबरोबर माझं जास्ती काम होतं. परंतु त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव, त्यांची अखंड टीम इतकी कमाल आहे आणि ते वातावरण इतकं कमाल असतं की त्या ह्याच्यात काम करण्याचा स्ट्रेस प्रेशर काहीच नसतं. तेच कमाल आहे, आम्ही दरवेळी ऐकत आलो आहे की कसं
निरीक्षण करतात किंवा ते कसं डिरेक्शन करतात आणि त्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये ते आतमध्ये जाऊन सगळं. आणि मला असं वाटतं की त्यांना माणूस आणि कलाकार दोन्ही खूप छान कळतात. करेक्ट. त्यामुळे त्या माणसाशी आणि त्या कलाकाराशी कसं डील करावं किंवा त्यांच्याकडनं काम कसं करून घ्यावं ही एक वेगळीच नॅक त्यांच्याकडे आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आमचं काम खूपच सोपं होतं. ऑल राईट. मला अजून एक प्रश्न तुला विचारायला आवडेल कारण का तू मराठी इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आहेस. सो मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना आणि हिंदी इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना काय वेगळेपण जाणवतं तुला? खरं तर काहीच नाही. म्हणजे माझ्या सुदैवाने दोन्हीकडे मला खूप छान माणसांबरोबर खूप छान टीम्स बरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे दोन्हीकडे खूप होमली वातावरण मिळालंय. मी हिंदीत आता माझे तीनपैकी दोन प्रोजेक्ट्स रोहित सरांबरोबर होते. yes. त्यामुळे त्यांची टीम ही खूपच सामावून घेणारी आहे, खूप आपलंसं करणारी आहे. आणि तसंच मराठीच्या बाबतीतही होतं. मराठीतही सगळी आपली माणसं खूप सांभाळून घेणारी असतात. त्यामुळे मला तरी टचवूड दोन्हीकडे खूप छानच अनुभव आलेत. अभिनव, मी आपच्या आरोग्य साधे गेम खेळलेवाली. ओके. सो बेसिकली आय एम गोना पुट सम अक्युजेशन ऑन यू. ओके. एंड यू विल हैव टू टेल मी ये सच है या ये झूठ है. स्टार्ट विद चरण. आई डोंट माइंड. ओके. तुम्ही छोटीशी भूमिका करता किंवा तुमची भूमिका जरी ही मोठी असली तरी त्या चित्रपटानंतर किंवा सिरीज नंतर सगळीकडे तुमचं नाव होतं आणि बरीच तुमची चर्चा होते. त्यामागचं सिक्रेट काय? लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं है उसके अंदर. फॉर्मूला एक ही है कि आप ईमानदारी से काम करो और जो आपको करने के लिए कहा जाए वो शिद्दत से करो. उतना मतलब ज्यादा मत सोचो उसके बारे में. मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादा. मैं कर देता हूँ जो मुझसे कहा जाता है. और कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ. मेथड कुछ नहीं है. एक आपने पूछा था एक सवाल, उसका जवाब देता हूँ. तो जो आपने इनसे पूछा था कि मराठी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री में क्या है तुला फर्क का रिश्तो. अपन नहीं मानते कि मराठी इंडस्ट्री में स्टार्स नहीं है. कारण लगे स्टार में के डायरेक्टर नहीं है. तो एक सीन मध्ये तुम्हाला एक स्टार करू शकतो एक डायरेक्टर. करेक्ट. तो इंटेंट पाहिजे असतो आपल्या इंडस्ट्री मध्ये. तो नाही आहे मराठी इंडस्ट्री मध्ये. तो एक थोडा सा मायनस पॉइंट आहे आपल्याकडे. हिंदी फिल्म ऑल्सो मेरी सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है मराठी. मतलब जो बिजनेस महाराष्ट्र में होता है मेरा वो कहीं और नहीं होता है. Because I don't think he alone can manage in this lifetime. But I will direct one Marathi film for sure. Actually, my business from Maharashtra is equivalent to Sharad and Vaidehi ke saath. So, writer ready hai. Script bhi ready hai mere paas. Batao kab. I can send you my showreel from Rishte. I played a Marathi character. It's like way back. Yeah, but I played a Marathi character. How well? Yeah. You had a Marathi song. It looked very beautiful in that. Yeah, I remember. By the way. I remember the Saturday. Yeah, I performed also very well. Huh? I was nominated. I performed because doubt ही नहीं कर रहा मैं तो उस look की बात. Look, action. You looked very pretty in that. मैंने इनको बोला action बहुत अच्छा किया. So there was a show on Amazon, Family Man season 2. तो Samantha performed her own stunts. Huh. And I commented on that specially कि यार for a woman to perform such kind of stunt is never been done in India. So I just complimented her outside. मुझसे बोल रही एक्टिंग नहीं की हमारे. मैंने ये तारीफ से दो पहले तारीफ करना होता है. पहले तो सवाल. अरे मजाक कर रही हूँ यार. थैंक यू. कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट. उसके आगे की लाइन नहीं बोलूंगा जो तुमने. उसके बारे में वार्तालाप हम बाद में करेंगे. उनको बोलना. लेकिन उसको बोलूंगा. कमिंग बैक टू द एक्यूजेशंस. ओके. आपने 30 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट किए बट अभी भी आप 30 साल के ही लगते हो. गिल्टी एज चार्ज्ड. स्टिल एज ब्यूटीफुल एज एवर. थैंक यू थैंक यू. 30 साल के थोड़ा ज्यादा हो गया ये. 30 साल के ही लगते हो. अच्छा. थैंक यू. ये गलत है गाइस. मन में लड्डू फूटा है. आज पार्टी इनकी तरफ सबको. सी आप एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते. आप कैसे एज करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है. वो आपके हाथ में है. एंड दैट कम्स विद आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन अवेयरनेस कंसिस्टेंसी. तो और नज़रिए की बात भी है. अगर आपको लगता है कि मैं
एज की बात पता नहीं है कि मैं कैसे जैसी दिखती हूँ. अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो यह आपके नजरिए की बात है. तो कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगी कि यू हैव गॉट गुड टेस्ट. Receiving a compliment from Shilpa Shetty itself is a very big thing, I think. So sweet, thank you. So Vaidehi, okay. आप हर टाइम हर जगह इतने क्यूट कैसे लग सकते हो? Yeah, she's very cute. I mean, little this, but really. और सब लोग यही कमेंट करते रहते हैं, सब लोग यही पूछते रहते हैं. Every time you go anywhere, आप हर जगह उतने ही क्यूट कैसे लगते हो? Wow, I don't know how to answer this question. You know, she was speaking in Marathi, and I was looking at her like, if I was a man, I would fall in love with her. I thought I'm a woman. I was like, what are you doing? So she has like this, yes, this sweetness in the way she articulates. समोरच्या पाहण्यातही असतं. तर मला असं वाटतं की लोकांना वाटतंय मी क्यूट आहे, तर तरी चांगली असतील माझ्या आजूबाजूची माणसं की मला सातत्याने क्यूट म्हणत. रोहित सर, बॉक्स ऑफिस में तो आप सबकी धज्जियां उड़ा ही देते हो. अभी आप ओटीटी पे आ गए, सबका धंधा बंद करना है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं. सबका धंधा और चले, मैं तो बोलता हूँ जब सबका बिजनेस और चलेगा तो मेरा भी बिजनेस और चलेगा. आई थिंक इफ अगर बाकियों का भी अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा. इट्स वेरी सिंपल. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. सो आई हैव माय फिल्मी पंचायत ओके हियर विद अस, और ये लोग आपसे वन ऑन वन क्वेश्चन करने वाले. ओके, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. ओके, कौन जा रहा है? यू? यस, सब वैदेही और शरद से पूछेंगे ज्यादा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. वैदेही का एक प्रश्न है. वैदेही, तुला या पोलीस फोर्स मध्ये भूमिकेतून खूप जास्त चर्चा होते, सो तुला बेस्ट कॉम्प्लिमेंट आतापर्यंत कोणती मिळाली आणि कोणी दिली? खरं तर खूप लोकांकडनं खूप छान छान कॉम्प्लिमेंट्स मिळाले की मी त्या पात्राला सूट होती आहे, माझं काम कसं झालं आहे, या अनेक विषयी कॉम्प्लिमेंट्स मिळाले. पण मला असं वाटतं की माझा या पात्रासाठी विचार करणं ही रोहित सरांकडनं मिळालेली मला असं वाटतं सगळ्यात मोठी कॉम्प्लिमेंट आहे. सो रोहित सर, मला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही मराठी एक मूवी डायरेक्ट करणार आहात. मैं अभी सोच में चले गई भैया, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए. मेरा तो इंस्टेंट हो गया ना. सोच में एक्टर्स भी किए क्या कोई लिस्ट कि है कोई? पहले कहानी फाइनल कर लूं. एक्शन होना चाहिए. नहीं नहीं, मराठी है तो सादगी. नहीं नहीं नहीं, 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 कमर्शियल. कमर्शियल वहाँ बड़ा बड़ा कमर्शियल ऐसा कुछ मैंने किया भी है. वो करना है आप और बड़ी करना. आई विल डू इट. कास्टिंग ओपन होगा तो बता. चॉइस नहीं करना, चॉइस उनके पास ज्यादा. आई विल डायरेक्ट वन. मराठी एक्टर्स बहुत रहते ही है, तो ऐसा कोई है क्या जो आपके मराठी फिल्म में रह गए? शरद सामने बैठा तो शरद तो हो गई. आपके सोचिए, मैं इस लायक या काबिल नहीं हूँ कि मैं मराठी फिल्म में हीरो कर सकूं. आप तो बहुत अच्छे हीरो. थैंक यू, ये सुनना चाहता था मैं. बेसब्री से. इट डिपेंड सब्जेक्ट के. ओके, थैंक यू सर. शरद के लिए सवाल था ना, यू सेड नहीं बाद में आएंगे. अच्छा, मुझे एक आई एम इंटरप्टिंग, मुझे इस पे ही एक सवाल सोचा है. ओके, अभी इन दोनों की जोड़ी जो है, जगताप एंड ऑफ कोर्स शेट्टी, एवरीबॉडी सॉ उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी लास्ट एपिसोड में, तो आप इन दो कैरेक्टर्स को लेके मराठी फिल्म बनाओगे क्या? एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या है, अमेजोन के पास राइट्स होता है ना. जैसे बहुत लोग बोले कि ये सिंगम में आ सकते नहीं आ सकते, तो मैं हाँ ना हाँ ना तीन चार दिन गया, फिर मैंने बोला टेक्निकलिटीज बता देता हूँ, बिकॉज दैट द कैरेक्टर राइट्स बिलोंग टू अमेजोन. बहुत सारे ऐसे रूमर्स भी थे आई थिंक ट्विटर पे कि आई एंटर्ड इन सिंगम 3. मैंने आई कांट, हां, बिकॉज वो अमेजोन के पास आईपी है और हमारे कैरेक्टर हमारे पास है. ऐसा अरे एक वैदी है जिसने दोनों जगह जम मारा, सिम्बा में भी और इधर भी. निकेतन भी है. करेक्ट. बट इन केस अगर आपके पास कोई मराठी फिल्म आई तेलुगु किया है, कन्नड़ा किया है, तो
Marathi audience. I'm from Chembur, yeah. We've always seen you wearing Navari sari and sab kuch. Yeah, I love. I love Marathi culture. एक वो energy है ना Marathi लोगों में एक अलग किस्म का प्यार है और a lot of all my culturally, staff. I think. Yeah. Even subject wise, yeah. Marathi content is much far superior than Hindi or many other languages. It's just that market उतना बड़ा नहीं है जिसके वजह से जो राइटर्स है या जो एक्टर्स है उनकी उस लेवल पर रीच नहीं हो पाती. Otherwise, I've seen so many films which are मतलब far better, superior than Hindi. Yeah, very good content has been churned out. Even now, recently, Baikam Bhari. Baipan Bhari, whatever it is. But I saw the trailer. और trailer देख के मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं देखूं पिक्चर. I haven't had the time. Yeah, it's done massive business. So that's what I'm saying. एक connectivity, एक relatability है. And Rohini ji, I think is. Suchitra ji, she's also there in the series. Yeah. Oh, superb. So I just love it, and I love the kind of cinema that they make. Even Ved also was really really nice. Yeah. Nicely directed, honestly. Yeah. आता उगाच माझी कॉलर टाइट होती मराठी इंडस्ट्रीतली असल्या कारणाने. प्लीज यू गाइस कैन कंटिन्यू. रोहित सर, मुझे आपसे एक सवाल था कि आपके सारे मूवीज के अंदर गोवा के सीन्स होते हैं, तो अभी फिलहाल आप जो दिल्ली पे बेस आप जो सीरीज निकाल रहे हो उसके अंदर भी गोवा का टच है, तो क्या उसका क्या राज है सर? जैसे गाड़ी हर जगह आ जाती वैसे गोवा हर जगह आ जाता है. है कोई कनेक्शन अभी क्या है पता नहीं. आई थिंक इट्स लकी फॉर मी. इट्स लकी फॉर यू. या आई एम फ्रॉम गोवा बाय द वे. ओके, आपका नाम लकी है. सॉरी, घटिया जोक. सर बहुत सुपरहिट फिल्में की आपने, हम माफ कर देते हैं. हां, ऐसा चल जाता है. ऐसा लिया चलिए सर. आई लव गोवा. माधव कृष्णा शिल्पा मैम ने या सीरीज मध्ये खूप सारे स्टंट तुम्ही केले, तर असा कोणता स्टंट आहे जो करताना तुम्हाला खूप जास्त भीती वाटली? पाय तुटला आणि काय पाय बसला. नाही, शी नेवर वाज स्कॅर्ड. आई डोंट थिंक मैंने बहुत एंजॉय किया. मेरे लिए बोलना मराठी में. तेने खूप एंजॉय केलं असं. जायगा, समज तो जायगा. हां, बोलना, तेरे मुंह से बहुत अच्छा लगा. मैंने जो भी किया ना, मैंने बहुत इन्जॉय किया. मैं, मेरा बहुत मन था कि मैं और करूं, लेकिन क्या हो गया, पहले दिन पे ही नज़र लग गई, स्पैजम हो गया मुझे. और जो एक्चुअली कोरियोग्राफ किया गया था, आई थिंक उसका कुछ 50% कर पाए हम लोग. इट वॉज रियली रियली टेरेबल फॉर मी, लेकिन हाँ, कैसे बोलते हैं, बहुत मज़ा आया मुझे. खूब मज़ा आ गया. शिल्पा मैडम, आणखी एक प्रश्न आहे. तुम्ही कुठे आहे? जेव्हा स्टार्टिंगला तुम्ही फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आलात आणि आता, सो तेव्हा तुम्हाला खूप कठीण व्हायचं काम मिळायला की आता असं टफ वाटतंय, असं काही आहे का? ट्रान्सलेशन नाही, सॉरी, नाही नाही, समज आया मुझे. स्ट्रगल तो कंटिन्यूस है यार. स्ट्रगल उस वक्त में ये था कि एक्चुअली दूसरों के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो इतना था नहीं मेरे लिए स्ट्रगल, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी बाजीगर वो प्लैटिनम जुबली हिट थी, तो उसके बाद लोग जान पाए और मुझे काम मिलता गया. लेकिन 90s में क्या था, काम ऐसा मिलता था कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आके बोलते थे कि चार गाने हैं, दो हीरोइन फिल्म है, आपके गाने ज्यादा है, वो हीरोइन मर जाती है. तो हम ऐसे काम करते थे. अच्छा, इस फिल्म में सनी देओल है, इस फिल्म में अनिल कपूर है. मैंने कभी ऐसे ये सोच के काम नहीं किया कि एटलीस्ट 15 साल तो ऐसे ही गए मेरे के. काम मिला तो मैं बहुत लकी समझती थी कि काम आ रहा है. लेकिन उसके बाद फिर मैंने समझना शुरू किया कि थोड़ी सी मैं टाइपकास्ट हो रही थी और मैं बोर भी हो गई थी कि अब मैं और क्या अलग करूं. तो फिर मैंने अलग किरदार करने शुरू किए, और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो कमर्शियल पिक्चर्स करना बेटर था, क्योंकि फिर मैं ही बैठ के देख रही थी थिएटर में.
स्ट्रगल बस जारी था. Suddenly it came. But the truth, the struggle is real. और हर एक्टर को स्ट्रगल करना पड़ता है जब तक वो रियलाइज नहीं करता है कि उसको क्या करना है अपनी जिंदगी में. या तो उसको पैसे कमाने हैं या नाम कमाना है या यू नो एक कॉम्प्रोमाइज सा है. इतने सालों के बाद आई थिंक मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं आज भी हूँ. लोग मुझे आज भी पहचानते हैं इतना ही और शायद ज़्यादा प्यार करते हैं जितना मैंने शायद मेरे पास 15 साल पहले जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा आज है विद गॉड्स ग्रेस इन एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी. और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद लोगों की ब्लेसिंग्स है. ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आज भी सोचते हैं कि आप सीमित नहीं हो एज की वजह से. आप किरदार में अगर फिट बैठते हैं तो वो आपको कास्ट करेंगे. और ये दौर भी अलग चल रहा है तो स्ट्रगल तो जारी है. अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं अभी और क्या करूँ कि मैं एक्शन ही करूँ कि मैं कुछ और करूँ कि इमोशनल करूँ सुखी जैसा कुछ करूँ. तो मुझे बहुत खुशी है कि ये असमंजस है हमारी जिंदगी में क्योंकि अदरवाइज आई थिंक इट्स अ डेथ ऑफ एन एक्टर इफ यू आर जस्ट कंप्लेसेंट दैट यू नो इट्स अ प्रोसेस व्हाट वी आर लिविंग एक्चुअली बिजनेस इट्स अ प्रोसेस डे बाय डे वी जस्ट गो थ्रू इट अगेन 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 एंड वी लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. हम अगर वापस पीछे जाके देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये प्रोसेस बहुत अच्छा था जो हमने किया है. वो बुरे अच्छे एक्सपीरियंस आते रहते हैं लाइफ में बट जो आप सीखते जाते हो वो हमेशा आपके साथ रहता है. तुम ही तो भरपूर फेस के लिए रिजेक्शंस का यू यूज्ड टू यू नो सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस बट ही हैड अ स्टैमरिंग इशू रियली एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच ही यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट आणि त्यामुळे त्यांना भरपूर रिजेक्शन्स फेस करायला लागले. और वो रिजेक्शन्स के वजह से ही उसके बाद उन्होंने वॉइस ओवर अभी तो आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री के बाहुबली हो ऐसे व्हाट अ स्टोरी बट वाओ ही यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट. और अभी भी करता हूं थोड़ा थोड़ा सिचुएशन मुझे बहुत ही तो बाहुबली हो यार. नहीं नहीं वो घर पे हो ही जाता है मतलब. तो मजा प्रश्न नेक्स्ट है शिल्पा मॅडम. तसं तुम्ही म्हणाला जाता की तुम्ही बाई पण भारी द्यायचा ट्रेलर बघितला आणि तुम्हाला तो खूप आवडला. सो असे कोणते मराठी मूवीज आहेत का जे तुम्ही आधी पाहिलेत आणि तुम्हाला खूप आवडले किंवा असे कोणते मराठी मूवी जे तुम्ही बघितलेत आणि त्यांनी तुम्हाला इन्स्पायर केले? वेड या आय रिअली लव्ह द म्युझिक. आय सायराट या देयर वॉज अ आय फील रिमेक्स में ना वो बात निकल जाती है. एक जो सोल होता है फिल्म में उसको कभी रीमेक नहीं करना चाहिए. आई रियली आई हेट दैट. तो फिर आपको झिंगा पे डांस करना बहुत पसंद है? फुल्ली आई एम वेरी झिंगा टाइप्स. सो आई वांटेड टू नो की व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग की मास अपील कैसा होगा व्हाइल प्रोडक्शन वाज ऑन. व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? सी जब बना रहे थे तो वो फियर रखना ठीक नहीं होता. देयर हैज टू बी पॉजिटिविटी and it should be like you do what you are doing it like people should love it. If that fear comes in making ke work then things can go wrong and wo positivity hona bahut zaruri hai. Obviously release ke work obviously when it's done and you're sitting alone then you think yaar you've tried something which has never happened in OTT and that too you're trying to bring in your audience to OTT you can go wrong. To tab wo fear rehta hai kuch waqt ke liye. बट ऑब्वियसली अब वो ऑलरेडी आ चुका है और जो टारगेट ऑडियंस था वो भी आ रही है. सो नाउ आई एम हैप्पी. तभी तो हम रिलीज का इंटरव्यू कर रहे हैं वरना सब भाग जाते हैं अभी. ओके सो जिस तरह से मूवी को सक्सेस मिल रहा है हर जगह सीरीज को सक्सेस मिल रहा है हो जाएगा बेचारा और वर्ल्ड वाइड वो ट्रेंड भी हो रहा है तो इस सक्सेस देख के आपको कैसे फील हो रहा है? मतलब आई एम वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली खुशी होती है हम सभी को खुशी होती है. सिर्फ मुझे नहीं जितने लोगों ने काम किया है वेदर एक्टर्स या टेक्नीशियंस एवरीबॉडी. जब कोई फिल्म चलती है या जब कोई सीरीज चलती है या आपके काम की प्रशंसा होती है लोग पसंद करते हैं तो यू फील अल्टीमेटली पैसा ठीक है बट कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट के बाद आपको यही होता है कि लोग आपके काम को पसंद करें. सो यू फील हैप्पी अबाउट इट. वैदेही तू आता पुलिसांवर आधारित 2 चित्रपट केलेस बरोबर सिम्बा आणि आता हा सिरीज एक चित्रपट. ओके
तुला कधी पोलिसांविषयी वाईट एक्सपिरियन्स किंवा चांगला एक्सपिरियन्स तुला शेअर करायला आवडेल का? मला टचवूड आत्तापर्यंत कधीच वाईट अनुभव कुठलाच आलेले नाही आले, ते चांगलेच अनुभव आलेत. फार अनुभवच नाही आलेत मुळात, पण जे आलेत ते चांगले आलेत. मला सांगायला आवडेल की माझे आजोबा म्हणजे माझ्या आईचे वडील रिटायर्ड DCP होते. सो मला कायम आदर वाटत राहिला आहे त्यांच्यासाठी. मी खूप पाहिलं नाही आहे पण मी खूप ऐकलंय आजीकडनं त्यांचं काम किती कठीण असतं आणि त्यांना कशा कशातनं जायला लागतं हे माझ्या घरच्यांनी खूप जवळनं पाहिलंय आणि मी खूप वेळा ऐकले. त्यामुळे मला त्या सगळ्या लोकांसाठी कायम एक वेगळी माया आणि एक वेगळा आदर वाटत आलेला आहे आणि तो तसाच आज तऱ्यात राहिलाय. कधीच त्याला धक्का नाही बसलाय कुठल्याही अनुभवाने. एनी मोर क्वेश्चन्स कोणाला? सर मला शरद सरांना विचारायचं होतं. सर जसं की तुमचा जो आवाज आहे खरंच खूप वजनदार आहे, खरंच तुम्ही एक बाहुबली आहेत आवाजाच्या बाबतीमध्ये जसं की मॅम म्हणाल्या. सर त्याचं म्हणजे सिक्रेट काय सर, आणि तसं आवाज जर आम्हाला जर करायचा असेल तर आम्ही काय करू शकतो? व्हॉइस मॉड्युलेशन टेस्ट. सिक्रेट काही नाही रे, तसंच कॉन्सिल वर डंबल आहे. सिक्रेट काही नाही रे, जेव्हा तुमचा आवाज बदलतो ना लहान, जेव्हा तू लहान मोठे होता तर माझा आवाज इतका भारी नव्हता पण थोडा भारीच होता. मग त्याच्यानंतर काय ना, बरेच लोक विचारतात की आवाज भारी कसा करायचा किंवा बेटर कसा करायचं. थोडेफार एक्सरसाइज आहे पण जास्त बदल होणार नाही. मी नेहमी हेच म्हणतो की जसा जसा आहे तो चांगला आहे. यू शुड बी प्राऊड ऑफ युअर व्हॉइस. सगळ्यांचा आवाज चांगला असतो, त्याच्यावर सूट करतो. मी पण भारी आहे ना बाबा. आई तुम्ही जर 5'2" असतो आणि बारीक असतो आणि असा आवाज सूट नसता गेला ना, म्हणून हाईट बिल्ड मध्ये सूट करतो. मला रोहित सरांना क्वेश्चन विचारायचं आहे. जसं गोलमाल हिंदी मध्ये झाला तसं मराठीत आम्हाला कधी बघायला मिळेल का अशी कॉमेडी मूवी? मी केली आहे मराठी फिल्म सिम्बा सिंगम. महाराष्ट्रांचा मराठी मध्ये बात कर रहे. कॉमेडी मराठी सब्जेक्ट पता नहीं बट आई विल मेक समडे. गोलमाल होगी या वो एक्शन होगी या क्या होगी, मैं सुनाने वाला हूँ कॉमेडी सर को और वो सर प्रोड्यूस करेंगे मुझे पता है. ओके चलो डन, अभी चलिए आपकी डिमांड पूरी होगी. कमिंग टू द एंड. ओके सब लोग ने यहाँ पे सीरीज देख ली है जो अमेजोन प्राइम पे आई है, इंडियन पुलिस फोर्स. एवरीबडी इज लविंग इट. ओके बट तो भी गिन चुन के थोड़े बहुत लोग रह गए जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, तो आप सब लोग मिलके उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? शरद अपनी आवाज में कहेंगे. सबसे एक हद मैसेज अगर नहीं, नहीं। आप देखिए पीछे रह जाएंगे, जल्दी से देख लीजिए इंडियन पुलिस फोर्स अमेज़न प्राइम वीडियो पे. इंडियन पुलिस फोर्स अमेज़न प्राइम. सो नक्की जाऊन बघा, इंडियन पुलिस फोर्स अमेझॉन प्राईम वर आहे. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द होल टीम गाइस. थँक्यू.